सरकार बनने के बाद कांग्रेस धीरे धीरे करके पीडीएस की व्यवस्था को सहकारी समितियों के हवाले करने पर कार्य कर रही है। पिछले 2.5 साल में अब तक 50% दुकान भी बदले नहीं जा सके हैं। इसके बावजूद जहां दुकान बदले जा रहे हैं वहां पर आए दिन विवाद देखा जाता है। पुरानी समितियां एवं समूह पीडीएस वितरण का कार्य छोड़ने पर राजी नहीं है। ऐसे ही एक और मामला अंबिकापुर विकास खंड का आज कलेक्टर के पास पहुंचा। वहीं भाजयुमो ने भी इस मामले में राजनीति शुरू कर दी है। यही चाहते हैं कि हम पब्लिक लोग की पुराने 5-10 साल चला चुके हैं, उसको आकाश समिति से चला रहे हैं। हम पब्लिक को नहीं पता कि आकाश समिति से चला रहे हैं। हम लोग कल पता चला है आकाश समिति चल रहा है वो, लेकिन पब्लिक लोग चाहते हैं कि आकाश समिति को नहीं देंगे और पुराने सरपंच को चलाने नहीं देंगे। जब नया सरपंच है तो नया पब्लिक से नया नियम से हम पब्लिक लोग पंच गांव से हम लोग नियम करेंगे कि गांव वाले ही चलाएंगे पंचायत से। हमें आकाश समिति को नहीं देना चाहिए, उसे निरस्त करवाने आए हैं हम लोग। खाद जा रहा था उसको पंचायत से, उन लोग अपने घर से चोरी करके ले जा रहे थे ना, तो उस लोग हम लोग रोकने की कोशिश किए तो नहीं रुके, सीधे चला गया पंचायत भवन में भी नहीं गिराए, खुद अपने तरफ से अपने घर में चोरी करके ले जा रहे थे। उसको रोकने के लिए किए तो उन लोग तहसील को बुलाए, तहसील वाला यहाँ हमको भेजा है, तहसील पटवारी पूरा हमारे ऊपर दबाव डालते हैं। उन्हीं लोग हमको खुद गलती गिराते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे। जब तहसील वाले को बोले कि हम लोग ग्राम पंचायत का समिति बड़ा है लेकिन आज हम लोग निरस्त करवाना चाहते हैं ना, लेकिन पंचायत भवन में ही गिरा दीजिए, किसी का घर में नहीं, बाद में हम निरस्त करवा के हम पंचायत की तरफ से समिति सलाह से होके हम लोग बंटवारा चुनेंगे कौन सोसाइटी चलेगा और कौन नहीं। लेकिन समूह वाला को हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि समूह वाला को कभी नहीं बंटवाएंगे, किसी भी समूह को नहीं बंटवाएंगे, पंचायत और सरपंच के तरफ से बंटेगा। अंबिकापुर जनपद क्षेत्र के पोड़ी कला ग्राम के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने राशन दुकान आवंटन को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। साथ ही साथ अंबिकापुर पहुंच जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंप पूर्व की भांति राशन वितरण को यथावत रखने की मांग की है। कि हम लोग को जानकारी नहीं था कि आकाश समूह को हो गया, ऐसे बोल रहे थे तो कल अचानक गए तहसीलदार गया तो उन लोग अचानक से बोल रहे हैं कि आकाश समिति पुरुष लोग का समिति ऐसे बना लिए सर। चावल गया कल तो उन लोग अपने घर में उतारना चाहते थे सर, हम लोग रोक के देखे मतलब कि सरकारी भवन में हम लोग उतारेंगे तो उन लोग बोले कि हम लोग का हो गया है सर। तभी पता चला कि आकाश समिति का मतलब कि डीएम ऑफिस से कलेक्टर ऑफिस से पास हो गया है, ऐसे बोल के हम लोग को कागज दिखाए सर। पब्लिक का समूह सहमत नहीं है और सरपंच का सहमति नहीं है। दरअसल ग्राम पौड़ी कला के सरपंच, उप सरपंच, पंच के द्वारा ग्रामीणों को सरकारी भवन से ही राशन वितरण का काम पहले किया जा रहा था। उस बीच पूर्व सरपंच के द्वारा आकाश समिति बनाकर राशन दुकान को आवंटन करने के बाद पूर्व सरपंच के द्वारा घर में ही राशन उतरवाने के मामले से ग्राम पौड़ी कला के सरपंच, उप सरपंच सहित ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। ग्राम पौड़ी कला के सैकड़ों ग्रामीण के साथ साथ जनप्रतिनिधि आज इसकी शिकायत करने अंबिकापुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उस दौरान भाजयुमो जिला अध्यक्ष भी ग्रामीणों के साथ नजर आए। अंबिकापुर जनपद क्षेत्र में पोड़ी कला ग्राम पंचायत है। यहाँ राशन वितरण का जो संचालन था वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता था। अभी सितंबर माह के संचालन के लिए जो राशन था वो अचानक से पुराने सरपंच के दरवाजे पे गाड़ी चली गई। तब गाँव वालों को पता चला कि भाई स्कूल में सामान उतरना था राशन, यहाँ ऐसा कैसे हो गया। तो इनको बताया गया कि सितंबर माह से राशन का वितरण आकाश जो समिति है वो करेगी, आप लोगों से हटा दिया गया है। उसको लेकर के इन लोगों ने बातचीत की, कल तहसीलदार भी ग्राम पंचायत में गए थे जिसमें पूरे गांव के आप सब देख सकते हैं यहाँ उपस्थित हैं, पंच, सरपंच, उप सरपंच, समस्त ग्रामवासियों ने इस पर आपत्ति जताई और तहसीलदार के द्वारा यह धमकी दिया गया कि आप उनको नहीं यदि राशन वितरण करने देते तो हम आपके ऊपर FIR कराएंगे। इसको लेकर के आज कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए पूरे ग्रामवासी सुबह से निकल करके यहाँ अंबिकापुर में आए हुए हैं। यह जो समिति है इसमें कौन अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, नाम तो नहीं देखे हैं लेकिन इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो पुराने सरपंच हैं उनके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। नए सरपंच को जानकारी नहीं है क्या इस बात की?
नया सरपंच को अभी पता चला जब गाड़ी उनके दरवाजे में चली गई, तब नया सरपंच को पता चला। सीओ साहब के सामने इन्होंने अपील कर दिया है और सीओ साहब ने बोला कि जो भी न्याय संगत होगा हम करेंगे, और सरपंच, उप सरपंच और ग्रामवासी जाकर के अभी ग्राम सभा में प्रस्ताव भी पारित करेंगे कि हम सब पूरे ग्रामवासी, जो पंचायत से प्रस्ताव पारित होगा, इस समिति को राशन वितरण की जिम्मेदारी नहीं दी जाए। चूंकि सरगुजा अनुसूचित क्षेत्र है, ग्राम पंचायत की महती शक्ति है, इसलिए इन लोगों ने अपने कानूनों के, अपने अधिकारों का उपयोग भी करेंगे, और उसके बाद न्याय, जब यहाँ से यदि इनको न्याय नहीं मिलता है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, तो न्यायालय की शरण में भी जाने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि सरगुजा जिला पंचायत सीईओ एवं प्रभारी कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए इसकी जाँच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होगी। बेसिकली ये ग्राम पंचायत पौड़ी कला जो हमारे जनपद पंचायत अंबिकापुर में आता है, वहाँ से कुछ ग्रामवासी जिसमें सरपंच, उप सरपंच और बाकी सदस्य हैं, बेसिकली वहाँ पे उचित मूल्य दुकान के संचालन के संदर्भ में कुछ इनको आपत्ति थी कि वहाँ पर समिति के द्वारा नहीं चलाए, उसी विषय में हमसे चर्चा करने आए थे। इन्होंने अपना आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए, उसके संदर्भ में देखते हैं, जाँच वाँच कराते हैं, जो उसमें सही होगा वही उसमें किया जाएगा।